और अब बात कर लेते हैं बिहार के छपरा की, जहां पर मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों को बुरी तरह पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो आपको बता दें, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी चटकाई। दरअसल ग्रामीणों ने यहां चोरी के आरोप में पीट पीट कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुधन राम के घर बीती देर रात 2 चोर घुसे। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंच गए और ये सभी भैंस चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य थे, जो गांव गांव घूमकर मवेशियों की चोरी किया करते थे। तो वहीं आपको बता दें, वारदात के बाद एक बार फिर भीड़ के उग्र होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर तीनों चोर चोरी करने आए थे तो ग्रामीणों को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ना कि पीट पीट कर मार डालना चाहिए था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधानसभा पर आज भी बहस जारी रहेगी। आज विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। शिक्षा, कला और संस्कृति की जो मांगे हैं वो यहां पर पारित होंगी। बहस के दौरान विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही आज भी लगातार जारी रहेगी। सदन में आज भी बजट पर बहस होगा, विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। महोदय जी ने इतनी कठोरता कर दी कि कोई भी पूछ ही नहीं सकता है। केवल और केवल प्रतिपक्ष का नेता पूछना चाहे तो एक क्वेश्चन पूछ लें, तो ये क्वेश्चन पूछने का जो अभिप्राय है और जो डिपार्टमेंट में जो दबाव नहीं है, और इसके कारण से भी हमने कहा भी दोष पूछ सकता है तो उसी को प्रश्न पूछे और उसी को जवाब दो, इसलिए बायकॉट कर। आज भी रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा, चाहे ये पूरा सत्र गुजर जाए। अब माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि 40 वर्ष से आ रहे हैं, अगर कोई गलतियां 40 वर्ष से हो रही हैं तो उस गलती को सुधारा जाना चाहिए ना। तो माननीय अध्यक्ष जो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, और उनके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर है, मंत्रियों को भी वो कहते हैं, उनको भी टोकते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और किसी को भी, चाहे प्रतिपक्ष का नेता है, चाहे मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है, चाहे कोई भी है, सबको कहते हैं। तो पहली बार देखने को मिल रहा है, मेरे को पहले ऑफिसर जब मैं था, जब भी मेरे को देखने को मौका मिलता था ऑफिसर गैलरी में, कि इस बार वास्तव में माननीय अध्यक्ष महोदय जो विधानसभा के हमारे हैं है, वो पहली बार एक अनुशासन के रूप में सदन को चलाना चाहते हैं। अपनी बात कहने का हक सबको है, अपनी बात कहिए, नियम प्रक्रिया के तहत कहिए, लेकिन अव्यवस्था मत करिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा का। सुधीर, आज भी कुछ मांगे पारित होनी है, ऐसे में आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आज की कार्यवाही में? देखिए, मांगे पारित होने से पहले अभी 11 से 12 बजे तक का जो प्रश्नकाल का समय है, उसमें आज भी भाजपा विधायक दल ने बहिष्कार कर रखा है। भाजपा विधायक दल अध्यक्षीय व्यवस्था से नाराज है कि जो पूरक प्रश्न है वो केवल सवालकर्ता ही पूछ सकता है या फिर नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास भाजपा विधायक है प्रताप सिंह भी, उनसे जानते हैं क्या मामला है। मतलब आज भी बहिष्कार है, जो जनहित के मुद्दे उठा सकते थे, सरकार को घेर सकते थे सवालों के जरिए, उससे जनता महरूम हो रही है आपके इस रवैये से। विधानसभा में कई सवाल लगने के बाद वो मात्र उस विधायक से ही संबंधित प्रश्न नहीं रह जाता तो पूरी हाउस की प्रॉपर्टी हो जाती है। उस पर कोई भी माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ सकता है, पर अध्यक्ष जी की जिद की वजह से या हठधर्मिता की वजह से वो दूसरे किसी विधायक को अलाउ नहीं कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए। ये इस बात को डेडलॉक कैसे टूटेगा? ये तो डेडलॉक अध्यक्ष की तरफ से इस प्रकार की कोशिश होना चाहिए, ये पूर्व में परंपरा रही है बरसों बरस तक, उसको वापस कायम करें। अध्यक्ष ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, ज्यादा से ज्यादा सरकार से सवाल जवाब हो, लिया जा प्रश्न पूछना, केवल और केवल जो प्रश्न करता है वही पूरक प्रश्न पूछेगा, फिर नेता प्रतिपक्ष को इस बात की सुविधा दी जाएगी। यही नहीं, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हर दिन अगर फिक्स कर लें
कि कभी नेता प्रतिपक्ष, कभी उपनेता या कभी कोई और विधायक भाजपा का वो सवाल कर सकता है, उसको अनुमति होगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी प्रश्न के बारे में सब बातें नेता प्रतिपक्ष को ही जानकारी हो, और भी संबंधित विधायकों को उसके बारे में जानकारी हो सकती है। वो जिसको जानकारी होती है वही उसको प्रश्न को पूछता है। इसलिए ये राइडर लगा देना कि भाई डिप्टी लीडर या अपोजिशन लीडर वही सवाल खड़े कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ न्यायोचित नहीं है। कई प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी